देश में अंदरूनी क्लेश जारी है। आपसी खींचातान का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता ताराचंद भगोरा ने खोडनिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो स्वयं सागवाड़ा का भूमाफिया हो और उसका भाई मुझ पर आरोप लगाए कि मैं भूमाफियाओं से पैसा लेता हूं। उन्होंने कहा कि पहले वो अपने गिरेबान में जाके कांग्रेस को तोड़ने का काम नहीं करे। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कहा, सुनिए। मुझे ये बात न्यूज़पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो स्वयं सागवाड़ा का भूमाफिया हो और उसका भाई मेरे पे आरोप लगाए कि भूमाफिया से पैसा लेते, हमारी सरकारी सुविधा है जाने आने की, हमें किसी ने और तारासेन भगोरा ऐसे लोगों का हाथ कभी फैलाता नहीं है। आम जिले की जनता जानती है और एक दो साल नहीं 27-28 साल का रिकॉर्ड है कि जहाँ कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भगोरा जी ने कई चीज़ से हाथ फैलाए हों, वो जानते हैं इनके पास कोई रिकॉर्ड है नहीं। तो इनका जमीनों के विवाद होंगे और उनके लड़ाई होगी तो उनका नाम हमारे साथ ग्रसित करके, जैसा उन्होंने बेमेल संबंध भाजपा और बीजेपी से किया, कोई हरकत है और ऐसे ही कांग्रेस को तोड़ने के लिए। और कहते शराब कि मैं बढ़िया, मुझे कहाँ चुनाव लड़ने, लड़ने ताली उसी को लड़ने, वो जाने कांग्रेस कैसे ठीक होगी। तो कांग्रेस वालों ने इनको निमंत्रण तो दिया नहीं था और जानते हैं कि जगह नहीं है तो उनको ऐसी जगह रहना नहीं चाहिए जहाँ इनको फायदा नहीं हो, पर कांग्रेस के अंदर रह के कांग्रेस को बेच खा करके कांग्रेस को नुकसान पहुँचा और यार डूंगरपुर जिले का भारी नुकसान कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इसलिए वो अपना अपने गिरोबार में जाग के देखें, यही उत्तम होगा। और मेरा तो इस माध्यम से कांग्रेस जनों से भी अपील है कि वक्त आ गया है कि हमें देश के अंदर राहुल गांधी जी, सोनिया जी और अशोक जी गहलोत के हाथ मजबूत करने का वक्त आ गया, इसलिए एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत बनाएं, यही इस मौके पर कहना चाहूँगा। और मैं इसका उन्होंने जो आरोप लगाया है घोर निंदा करता हूँ। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।